नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों यहां बात कर लेते हैं यूपी टेट के बारे में एक बार फिर से, क्योंकि इसकी जो आंसर की आई तो आपत्तियां लगाने वाली बात सामने आई और आपत्तियां लगाने का दिन भी अब निकल गया। तो सबसे पहली बात तो दो चीजें हैं जो आपके दिमाग में भी होंगी और मेरे भी है कि कितने ऐसे भाई बहन हैं जो एक या दो नंबर से रह रहे हैं और क्या वो पास हो सकते हैं, यानी यूपी टेट का वो जो बैरियर है 60% वाला वो क्लियर कर पाएंगे अथवा नहीं। और दूसरी बात यह है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिन पर आपत्तियां लगी हैं और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनकी आपत्ति स्वीकार की जाएगी और वो कौन से क्वेश्चन हैं जिन पर आपको कॉमन नंबर मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। शुरुआत में जब बात थी तो काफी सारी आपत्तियां दर्ज होने वाली बात थी कि भाई लगता था कि काफी लोग इसमें आपत्तियां दर्ज कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आपत्तियां कुछ सैकड़ा तक ही जाकर के सिमट गई। यानी कि अगर पूरा आंकड़ा एक बार देखें तो 200 लोग 250 लोग भी ऐसे नहीं है जिन्होंने फीस जमा कराई और आपत्तियां दर्ज की है, आज तक की जानकारी के हिसाब से आपको बता रहा हूं। कल डेटा कुछ और आता है तो एक अलग बात है। करीब 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपत्ति दर्ज तो कराई है, साथ में फीस भी जमा कराई है, तो वही आपत्ति दर्ज होगी। और करीब इतने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने फीस जमा नहीं कराई लेकिन आपत्ति दर्ज करा दी, तो वो तो बेकार आपत्ति है, उनकी कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। लेकिन वो जो महत्वपूर्ण आपत्ति है उन्हीं 100 लोगों की मानी जाएगी। अब उनमें से क्वेश्चन कौन से हैं जो कॉमन है, ठीक है ना, कॉमन से मतलब जिनकी आपत्ति रिपीट हुई है, ठीक है। अगर हम ये देखें आपत्ति वाले क्वेश्चन तो ज्यादा संख्या नहीं निकल के आ रही, करीब 9 क्वेश्चन ऐसे निकल के आ रहे हैं जिन पर आपत्ति है। अब एक बार पहले तो वो 9 क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किन क्वेश्चन पर आपको कॉमन नंबर मिलेगा और कौन लोग पास हो सकते हैं। इस बीच एक बात और क्लियर कर लेनी चाहिए कि इसका रिजल्ट भी टाइम से ही आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी जो फाइनल आंसर की आती है उस पर आपत्ति या वो मामला कोर्ट में नहीं फंसता है, तो क्योंकि कोर्ट में मामला फंसना एक बहुत ही आजकल फैशन से हो गया, हर मामला करीब करीब कोर्ट में फंस रहा है। तो फिलहाल ये हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जिन पर आपत्ति आई हुई है, उन 9 क्वेश्चनों को एक बार ढंग से देख लेते हैं। तो ये है वो आपके क्वेश्चन जिनमें मैं आपको इस पहली टाइल में दिखा रहा हूं, आपके वो 5 क्वेश्चन जिन पर आपत्तियां दर्ज करवाई गई है। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, करीब करीब वही कॉमन क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें आप, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कहां हुआ। तो इसमें पूछा गया है प्रथम प्रयोग तो पंजाब में हुआ था और ये आपके ऑप्शन में नहीं था, इस कारण इसका कॉमन नंबर मिलने की संभावना बन सकती है। दूसरा आपका क्वेश्चन है रेंडियर कहां पाया जाता है, ठीक है, तो प्रदेश का नाम आपसे पूछा गया है। तीसरा है आपका क्वेश्चन थारू जनजाति को लेकर कि थारू जनजाति का निवास स्थान कहां है, ठीक है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, इस बात को लेकर विवाद है इस क्वेश्चन में, ठीक। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है आपका कि पुल्लिंग पूछा है आपसे, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कड़ी, चील, संतान, सरसों, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया था लास्ट वीडियो में, एक बार आप देख लेना। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन, इसमें आपसे सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, यानी जोड़ा बनवाया गया है, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन को लेकर विवाद है कि इसका जो सन है वो 36 था, 36 ना होकर उसमें 18 दिया हुआ था, तो ये प्रॉब्लम आपको आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन पर भी आपत्ति लग सकती है, यानी लगी हुई आपत्ति, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब फिर देख लेते हैं दूसरी टाइम में अगला क्वेश्चन, ये संस्कृत का अशनी शब्द है, इसमें भी आपका लिंग पूछा गया है, ये उभयलिंगी है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, कौन सा है, ठीक है, तो इसमें भी आपके मामला बन रहा है आपत्ति का। फिर आपके मानसूनी वन वाला पाया जाता है, इसमें वर्षा की जो मात्रा है उसके आधार पर कितने सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है उसके हिसाब से मानसूनी वनों के बारे में पूछा गया है। फिर पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, यह है आपका आठवां क्वेश्चन जिस पर आपत्ति लगी है। फिर एक क्वेश्चन और है आपका, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला एवाईवी जीवाणु, ये पर्यावरण वाले पार्ट से है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, ठीक है, तो इसमें आपको जीवाणु का नाम बताना था, इसको लेकर के भी आपत्ति है। तो दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे और उन पर आपत्ति लगाने की पूरी पूरी संभावना थी। अब ये क्लियर हो गया कि इन पर आपत्ति तो लगी है, अब इसके अलावा भी और क्वेश्चन हो सकते हैं या इनमें से भी एक दो क्वेश्चन रद्दोबल हो सकता है, तो करीब करीब वही आपत्तियां हैं। अब ये देख लेते हैं कॉमन क्वेश्चन, कम से कम आप ये मान के चलिए 2 या 3 क्वेश्चन पे आपको कॉमन नंबर मिल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिनके 60% नहीं बन रहे वो पास होंगे अथवा नहीं। तो देखो 60% के लिए आपको चाहिए थे 90 नंबर, अब 90 में से ये कि आपका अगर 88 तक भी आपका आ रहा है, ठीक है ना, 88 तक भी आ रहा है तो भी आपकी संभावना बनती है क्लियर करने की। और उधर हम देखें अगर कैटेगरी को तो वहां आपके 82 नंबर चाहिए होते हैं, तो वहां 80 तक भी अगर आ रहा है तो क्वेश्चन आपके कॉमन नंबर मिलने की संभावना और आपका क्लियर हो जाएगा। 2 या 3 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है, इससे ज्यादा का मिलने की संभावना नहीं। और ये आपत्तियां भी आपकी लगी है, इन पर रिसर्च होगा बकायदा, इनकी जानकारी ली जाएगी, सोर्स भी खंगाले जाएंगे, जो आपने प्रूफ लगाए वो भी देखे जाएंगे
और जब ये की जारी की गई थी तो वो प्रूफ भी जारी लगाए जाएंगे कौन कौन सी आपके किस किस की से लिया गया है। लेकिन मैंने आपको एक रिक्वेस्ट और की थी कि आप इसके साथ अगर RTI भी लगा देते हैं कि आपने ये क्वेश्चन कहाँ से माना है कैसे माना है तो एक बार आपके सामने पूरा खाका आ जाता और नेक्स्ट एग्जाम में भी आपको बेनिफिट मिलता क्योंकि उससे आपको पता लग जाता कि कहाँ से की इन्होंने मिलाई है क्या हुआ है। तो उससे थोड़ा बेनिफिट ये मिल जाता कि आपको बुक कंसल्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तैयारी के लिए आपको एक अच्छा जरिया अच्छा सोर्स अच्छी किताब के बारे में सूचना मिल सकती थी अगर आपने ऐसा किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ आपत्ति वाली बात तो ये आपके 9 क्वेश्चन है, कॉमन नंबर 2 या 3 क्वेश्चन पे मिलने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, 2 का आपको एक ही मिलेगा और इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन स्वीकार करने वाले हैं तो इसमें से 5-6 क्वेश्चन आपके माने जा सकते हैं आपत्ति में। तो अब इसमें 2 चीज होती है, तो कॉमन नंबर दिया जाएगा फिर उस क्वेश्चन को डिलीट करके मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, तो भी बेनिफिट मिल ही जाएगा 1-2 नंबर जो लोग कम रहे हैं उनको तो। ठीक है, तो ये थी आपकी आपत्ति वाली बात। अब इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो रिजल्ट 7 फरवरी को आने की पूरी पूरी संभावना है और आ भी सकता है अगर इसकी आपत्ति नहीं आई तो, क्योंकि इसका अभी जब आपत्ति क्लियर होगी उसके बाद आपकी एक फाइनल आंसर की और जारी होगी उस पर ही सब कुछ मदार रहेगा कि क्या आगे का रुख रहने वाला है इस यूपी टेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, अगर पसंद आया लाइक और शेयर करें, चैनल आ रहा है पसंद सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।